अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज की वारदात आपको सहन करके रख सकती है, भले इसे कुछ ईर्ष्या बदलाव दुश्मनी कह रहे हैं, पर यह वारदात उस तरह की है जैसे ट्रेन में मुस्लिम पहचान देखकर पुलिस ने फायरिंग कर जान से मार दिया था। ट्रेन में दाढ़ी टोपी देखकर तीन अफराद जिनका नाम असगर शेख, सैयद सैफुल्ला, अब्दुल कादिर मोहम्मद, इन्हें यह कहते हुए भी मारा गया था कि यहाँ मोदी योगी का राज चलेगा। उसी जहनीत को अब और आगे बढ़ाते हुए देखा जा रहा है। इस खबर पर नजर डालने से पहले गाजियाबाद की उस खबर का तस्करा भी करते हैं जिसका जरा बराबर भी मीडिया में जिक्र नहीं किया जा रहा। दिवाली की रात गाजियाबाद में अफजल पर पटाखा फेंका गया जिसकी वजह से अफजल के पीछे के पांव की नस फट गई। अस्पताल में इलाज की कोशिश की गई पर अफजल की मौत हो गई। यानी सड़कों पर, ट्रेन में, बस बाजार में, शॉपिंग मॉल में अब तक ये नफरती सोच फैल चुकी है। इसके बावजूद भी सवाल उसी समाज पर उठाए जाते हैं जो मर रहा है, मार खा रहा है। खैर, आज की वारदात ने हिला के रख दिया है। भले से कोई और कुछ भी कह दे लेकिन ये वारदात भी उसी नफरती सोच की हो सकती है। अब इस पर बोलने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है, ये अलग बात है। कहानी कुछ इस तरह है। प्रवीण चौगले जो महाराष्ट्र सांगली का है, इसने एक ही मुस्लिम परिवार के चार लोगों के कत्ल को अंजाम दिया। और ये भी इत्तेफाक कह सकते हैं कि अरुण चौगले को बेलगाम बसवन कुर्ची से गिरफ्तार किया गया। मैंगलोर हवाई अड्डे पर प्रवीण कैबिन क्रू के तौर पर नौकरी करता था। पहले महाराष्ट्र पुलिस में था, फिर इसने मैंगलोर में एयर इंडिया में नौकरी करना शुरू किया। एनाज जो चार जो कत्ल किए गए हैं उसमें से एक एनाज भी एयर होस्टेस के तौर पर एयर इंडिया में काम करती थी। उड़पी के नजारू इलाके में एनाज एम, उसकी माँ हसीना एम, उम्र 47, बड़ी बहन अफनान 23 उम्र, और एक छोटा भाई असीम जो महज 12 साल का, इसकी भी चाकू मारकर इस हैवान सिफत प्रवीण ने कत्ल कर दिया और इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद घर से रोने की आवाज आई तो पड़ोस के आईफा अयूब ने वहां घर में जाकर देखा तो वहां पर लाशें पड़ी हुई थी। लिहाजा माल पे पुलिस थाने जाकर फरियाद दर्ज की। एक और इत्तला के मुताबिक एनाज और प्रवीण चौगले के मैसेजेस व्हाट्सएप चैट्स पे हासिल हुए हैं। कुछ देर एनाज के साथ चैटिंग के बाद प्रवीण चौगले का फोन बंद हो जाता है। पुलिस अभी तो ईर्ष्या और दुश्मनी बता रही है। किस बात की ईर्ष्या और दुश्मनी है ये भी अभी खुलकर सामने आना है, पर अभी कुछ हकाइक सामने आना बाकी है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसने कातिल प्रवीण को उसके घर तक, यानी कि एनाज के घर तक छोड़ा था, बताया कि कातिल को एनाज के घर का पता था क्योंकि उसने घर के सामने ही बराबर ऑटो को रुकने के लिए कहा था। महज 15 मिनट में उसने चार लोगों के कत्ल को अंजाम दिया। हसीना का छोटा बेटा महज 12 साल का जो घर के बाहर साइकिल चला रहा था, जैसे ही चीखे उसके कानों पर पड़ी तो वो दौड़कर घर के अंदर भागा, लेकिन वहां पर उस 12 साल के असीन का भी इसने कत्ल कर दिया। घर से चीखों की आवाज सुनकर घर में दाखिल हुआ था तो इस हैवान सिफत चौगले ने, यानी कि प्रवीण चौगले ने, उसका भी बेरहमी से चाकू घोंप कर कत्ल कर दिया। 70 साल की हसीना की सास बीबी हाजरा पर भी हमला किया। जान बचाने के लिए हाजरा गुसल खाने में छिप गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उम्रसीदा हाजरा को भी प्रवीण ने चाकू से घोंप दिया, लिहाजा हाजरा अब अस्पताल में जेर इलाज है। एक और अहम बात यहां दर्ज करना जरूरी समझूंगा क्योंकि किस जहनियत का शख्स था इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसने मुस्लिम लड़की से शादी कर उसे हिंदू बनाया। अब पता नहीं कहां लोग हैं वो धर्म परिवर्तन पर जो चीखते चिल्लाते हैं। खैर, और इसको इससे 2 बच्चे हैं, मतलब साफ हो जाता है कि मकसूद सोचो फिक्र से मुतासिर ये शख्स था जिसका जिक्र कोई भी मीडिया करना नहीं चाहता, यह अलग बात है। बिला वजह लौ जिहाद कहकर मुसलमानों को बदनाम करने वाले तमाम मीडिया वाले अब खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। क्या ये भगवा लव ट्रैप नहीं हो सकता? आखिर इस पर क्यों पर्दा डाला जा रहा है? अगर कोई मुस्लिम लड़का दूसरे मजहब की लड़की से शादी करता है तो पूरा समाज उस पर टूट पड़ता है और उमूमन यही जहनियत देखने को मिल रही है। मुस्लिम समाज हमेशा की तरह बचाव मोड में नजर आ रहा है। दरअसल मुसलमान एहसास से कमतरी का शिकार हो चुका है। इनमें अब आवाज उठाने की हिम्मत नजर नहीं आ रही। इतना बड़ा वाकया हुआ और कातिल की हिम्मत तो देखिए कि चार कत्ल को अंजाम देकर बेलगाम में बसंत कुर्ची में अपने रिश्तेदारों के यहाँ दिवाली इत्मीनान से मना रहा है। आखिर क्यों करे, साजिश नहीं हो सकती? आखिर बेलगाम ही को इसने आना मुनासिब क्यों समझा? क्या बेलगाम से इसका और भी कुछ नाता रिश्ता है? यानी कि रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है कह सकते हैं, मतलब किसी तंजीम इदारे से तो नहीं है? इसका एक और पहलू सोचने के काबिल है क्योंकि मुस्लिम समाज में रुपये दौलत अपने बच्चों को दुनिया में काबिल बनाने की हिर्स और होड़ लगी हुई है। कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया इस माशरे को। कुछ वारदातें मंजर आम पर आती हैं तो इसका तबसरा तस्करा भी किया जाता है। पता नहीं इस तरह के कितने लोग अब तक मर चुके होंगे, आने वाले भी दिनों में कितने मरेंगे।
जरूरत है अपने अंदर तब्दीली लाने की। समाज के फर्ज जिम्मेदार महज बयानात तक ही महदूद हो चुके हैं, हालात पर कोई बोलना नहीं चाह रहा। यानी कि हम तमाम ने फैसला कर ही लिया है कि समाज को बर्बाद ही करना है, क्योंकि कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। जमातों, तंजीमों, इदारों का, दीनी रहनुमाओं का एजेंडा ही अलग है। अब तो बेरहमी से कोई भी कहीं पर भी घुसकर कत्ल कर देता है। एक और खबर के मुताबिक फलस्तीन के हक में दुआ मांगने वाले इमामों को भी दिल्ली में नोटिस दिया जा रहा है। अब और क्या देखना बाकी है समझ में नहीं आता। अब इसे क्या कह सकते, अब भी वक्त नहीं गया। जरूरत था हालात को समझकर संजीदा फैसले लेने की। बेटियों को पढ़ा लिखा कर नौकरियां तो करवा रहे हैं, पर कहीं तो अपने जिंदगी का असल मौकूफ पीछे छूट रहा है, इसका भी एहसास जरूरी है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯಭೀತವಾಗುವ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮಗ. ಮಲ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೇಜಾರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು 5 ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಅರುಣ್ ಚೌಗ್ಲೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಎರಡು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸು ಸೇರಿ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಮೋಟಿವ್ ಅಂದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿನೋ ಸಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಪ್ರಕಾರನೋ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಂಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು.